ऑडियो चेक कीजिए, चलिए। तो तुम्हारा किस चीज़ का अकॉर्डिंग वाला डाउट है ना, वो देख लेते हैं। एक टेक्स्ट लिखा हमने इसके ऊपर, लाइक एग्जांपल वन, इस तरह से। और यहां से कुछ आइकन्स वगैरह ले लूं, फॉन्ट ऑसम ले लो या गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पर आपको टॉप में एक ऑप्शन मिल जाएगा आइकन्स के नाम से, सर्च करेंगे ड्रॉप डाउन लाइक, ऐसा भी ले सकते हो। इसका कोड आपने यहां से कॉपी करना है। आ गया पर लॉक लगा देना। चलो, तो ये हमने इस तरह से एक बना लिया। तो वी लुक लाइक, हमें दिखाई दे रहा है वैसा कुछ। ग्रुप कर लेंगे इसको अलाइनमेंट, और ऐसे आपको कितने बनाने वो बना दूँ। फिर से इन सबको ग्रुप करोगे और वर्टिकली सेंटर लाइन कर दोगे, ठीक है। अनग्रुप कर देंगे, ये 3 हो गया। ये अपना 4 हो गया। अब हमें इसकी बनानी है ओपन स्टेट, ठीक है, कि जब यूजर इसको क्लिक करे तो ये एक्सपेंड हो जाए।
क्या लिखा हमने, एग्जाम्पल वन कंटेंट गोज हेयर, अब आप क्या करोगे इसको यहाँ से प्रोटोटाइप, ध्यान रखना जब प्रोटोटाइप करें तो पूरा एक होना चाहिए, और इस पेज पर आप इसको लाके कनेक्ट कर दोगे। कैसे वर्क करेगा, ऑन टैब ऑटो एनिमेट, ठीक है, इसी तरह से जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाए, दूसरा खुल जाए, तो आप यहाँ से वो सभी बनाते चले जाओगे। बना लोगे नहीं, एक और बना के देखो, एक और बना दो, हाँ मैं एक करके दिखा देता हूँ फिर समझ जाओगे तुम। ये मैं जैसे बनाया, इसकी जगह ये ले लेगा, ठीक है, एग्जाम्पल टू कंटेंट गोज हियर। तो अब यहाँ से हो सकता है कि यूज़र वन पे जाना चाहे, ठीक है, तो हम इधर का लगा देंगे लिंक, यहाँ से यूज़र हो सकता है टू पर आना चाहे उसका लिंक लगा देंगे, एक दूसरे से हमें बाइंडिंग कर देनी है आपस में। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें तो वन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से, प्लस आपने एरो के डायरेक्शन भी चेंज कर देने, कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये नीचे हो, तो जब एक्सपेंड हो गया तो ये टर्न हो के फ्लिप हो जाए। तो यानी कि हम यहाँ पर जाके लिखेंगे फ्लिप वर्टिकल, ऐसे ही तो चेंज होते हैं उसमें, चेंज हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि रोटेट हो गया है तो पहले घुमा लेना उसको, फिर वो रोटेट भी हो जाएगा। आशीष कहेंगे तो सिंपल था, खामा खा के मेहनत कर ली बन जाएगा। हाँ, इसमें कोई जेक्वेरी नहीं लिखनी इसके लिए, बस लिंक करते जाओ। यूज़र को थोड़ा पता कि हमने पेज बना रखे हैं क्या कर रखा है, ये तो हमारे लिए, हमने तो उसको फंक्शनलिटी देनी है कि इस पर क्लिक करो ये होगा, इस पर क्लिक करो तो ये होगा, बन गया अकॉर्डिंग। और क्या डाउट है ऑनलाइन वालों, तुम्हारा कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग आज वो स्टार्ट करेंगे, या आज डाउट कर लो नेक्स्ट क्लास से फिगमा कर लेंगे। बोलो क्या बनवाना, उससे बनेगा ना, पोजीशन फिक्स रखना है और वो लगाना है तुम्हें उसके ऊपर, क्या कहते हैं जो स्क्रॉल वाला था प्रोटोटाइप, दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग जोमेटो को स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ गए, हम चाहते हैं यहाँ पर एक ऐसा रहे वापस से ऊपर जाने वाला, समझ गए। ग्रुप कर लेना इसको, एक तो ये अपनी जगह पर रहेगा, तो जब उसको चलाओगे तो ये हिलेगा नहीं यहाँ से। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा नीचे चले गए पेज को स्क्रॉल करते हुए, आगे ऊपर
मैंने भी फिलहाल इससे लिंक कर दिया, ऊपर एक नेबार बना लेना तो उससे लिंक कर लेना, उसको लेयर चाहिए होती है। और बोलो, और कोई डाउट नहीं है? प्रो हो गए सब बना दोगे उसमें है? हाँ जी, ऑनलाइन कौन कौन है वो लोग बताएं अपने डाउट। है किसी का और कोई डाउट? तो ये अपनी प्रॉपर्टीज हुई कंप्लीट, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसके अंदर कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखते हो एक शेयर का ऑप्शन आता है, एक यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है, एक यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन दिया है। तो ज़रा आज इनको समझ लेते हैं ये क्या काम करते हैं, है ना। तो देखो ये वाला जो शेयर हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी उसको शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जोमेटो स्लेटर हमारी फाइल का नेम है। आप यहाँ पर जाके एक बार ऑनलाइन पहले चेक कर लें, ठीक है। तो वेलकम टू अडोबे, मेरा नेम यहाँ पर लिखा रहा है। अब आप यहाँ देखोगे मैनेज टीम, लाइसेंस बाय करना हो, असाइन लाइसेंस करना हो, डिस्कवर प्लान करना हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हमारी जो फाइल्स वगैरह होंगी इसके अंदर उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैनेज टीम, फिलहाल टीम में कुछ होगा नहीं तो उसको बंद करो, इधर आओ। तो यहाँ पर जो हम लोग ये फाइल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग किसी को शेयर करें तो ये क्या काम करेगी इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करो, पहले तो अपनी फाइल को सेव करो। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट भेज सकते हैं, ठीक है, इनवाइट पीपल टू एडिट। और अगर आप गेट अनलिमिटेड को एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी कि हम एक ही फाइल में दो लोग ओपन करके या मल्टीपल लोग, अगर हमारे पास लाइसेंस वर्जन है तो हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मान लो कि भाई हमारे पास एक, हमने जोमेटो स्लेटर के नाम से प्रोजेक्ट बना लिया, तुम अपने अलग काम कर रहे हो, आशीष अपना अलग काम कर रहे हैं, मेहरबान अपना अलग काम कर रहे हैं, सुप्रवती अपना अलग काम कर रहे हो, और सबका काम एक ही जगह दिखता भी रहेगा सभी को कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ईमेल आईडी डालता हूँ। क्या है तुम्हारी ईमेल आईडी? आशीष, हाँ आशीष, क्या लिखते हो? यही है क्या? 222 का बात है। चलो, और किसी को भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। हमने यहाँ से बोला इनवाइट टू एडिट, तो ये कह रहा भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन ऑलरेडी जा चुके हैं आप किससे, तो पहले पुराने वाले बंद करो तब चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, होम पर क्लिक, मैनेज लिंक, ठीक है, तो ये हमारा एक लिंक लगा हुआ है, इसको हमने हटाना है यहाँ से। फाइल सारी यहाँ पर मिलेंगी, जितनी भी हमने इसमें बनाई होंगी, ठीक है। अब हमारा ये खाली है, तो जो भी फाइल हम शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे जोमेटो स्लेटर वाली हमारी फाइल है, हम इस पर जाएंगे, क्या बोलेंगे, शेयर। अब आशीष की आईडी डालते हैं, इनवाइट टू एडिट। अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन रीच क्यों बोल रहा है? कल मैंने डेमो के नाम से नहीं थी, टुडे के नाम से बनाई थी, जो लास्ट क्लास में बनाई थी।
फिर से ट्राई करो, शेयर, नंबर कौन सा लिंक लगा हुई है? फ्री वर्जन में आप सिंगल फाइल शेयर कर सकते हो, बट ये प्रॉब्लम कुछ और ही आ रहा है। चलो यहाँ से आते हैं, शेयर पर हमने क्लिक किया है, फिलहाल हमारा पहले ऑप्शन एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पर देखो अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे जोमेटो स्लेटर की हमारी फाइल है, लिंक को मैनेज करना, आप यहीं से मैनेज कर पाओगे। फाइल को किस पर्पज़ से आप शेयर करना चाह रहे हो, जैसे डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन, यूज़र टेस्टिंग या कस्टम। ठीक है, तो डेवलपर को शेयर कर रहे हो तो डेवलपमेंट चूज़ करना, किसी को दिखाना है, डिस्प्ले कराना है तो प्रेजेंटेशन करना, किसी अपने सीनियर को रिव्यू के लिए भेज रहे हो तो यहाँ पर ये भेजना, और अगर टीम में टेस्टिंग करा रहे हो तो प्रोटोटाइप वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एनी वन विद द लिंक, ओनली इन्वाइटेड पीपल या एनी वन विद द पासवर्ड। तो हमने यहाँ पर बोला एनी वन विद द लिंक, हमने बोला यहाँ से क्रिएट लिंक, लिंक हमारा देखो यहाँ पर क्रिएट हो गया एक पब्लिक। बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखो हमारा लिंक आ गया इस तरह से। अब जब ये लिंक आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आपको ये लिंक कहीं पर एम्बेड करना हो, जैसे बिहेंस होता है ना, आप चाहते हो बिहेंस में मेरा लिंक ऐड हो जाए तो यहाँ से एम्बेड का कोड कॉपी करना, और अगर आप चाहते हो कि कोई इसको चला के देख ले तो यहाँ से हमने इसको क्लिक करना है। अब आप देखो किसी बंदे के पास XD हो या ना हो, लेकिन वो इस फाइल को टेस्ट कर सकता है। देखो खुल गया जोमेटो स्लाइडर, तो पहला फ्रेम हमने ये बना रखा है iPhone 14 Pro Max, 7 फ्रेम हमारे थे उसके अंदर, ये आपका इस तरह से चल गया। अभी बाकी हमने ये इस तरह से बना रखे हैं अपने पेजेस में। अब यहाँ से मुझे कोई कमेंट करना हो कि भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने पूरे पे नहीं बनाया था लिंकिंग, आगे जाने के लिए बनाया था, पीछे जाने का पूरा नहीं बनाया था, एक दो बनाए थे तो उतना चलेगा, उसका तो झटके ऐसे जर्क आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने एक फ्रेम ये बनाया था जिसके ऊपर माउस जाने पर आपका ये हमने ड्रॉप शेड वगैरह लगाया था, एक हमने ये डिलीवरी वाला बनाया था इस तरह से, और इसी में हमने आपको लॉगिन वगैरह भी बना के दिखाया था, है ना, इस तरह से। तो ये सब काम कर रही चीज़ें। फिर हमने क्या बनाया था यहाँ से, ये लॉगिन साइन अप का ओवरले, ये हमने वेबसाइट बनाया था, जैसे प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम,
ये हमने नेक्स्ट प्रीवियस का बनाया था, ये हमने एक लोडिंग वाला बनाया था, ये भी आपको मैंने अकॉर्डियन बनाना सिखाया था, ठीक है। तो आगे फाइन, तो ऐसे आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है, सर को चेक कराना है, तो ऐसे आपने अपना लिंक शेयर करना है, ठीक है। तो इस पर आपके पास अलग अलग कंट्रोल हैं कि जब आप अपनी फाइल मेरे साथ शेयर करेंगे तो एनीवन विद द लिंक या ओनली इन्वाइटेड पीपल। इन्वाइटेड पीपल में इन्वाइटेड बंदे का चूज़ करके फिर आपने उसका ऐड करना है, यहाँ से क्लिक करके एनीवन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कर लो ये वाला काम, चल गई चीज़ अपनी। तो ये आपके सारे ऑप्शन आ गए। दूसरा ये जो ऑप्शन है, अगर आप में से कोई आईफोन चलाता हो तो ये उसके लिए है। तो यानी कि आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, एक्सडी इंस्टॉल करना है, आईओएस वाले को भी और एंड्रॉयड वाले को भी। अब जैसे मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो मैंने अपने फ़ोन में एक्सडी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं जो भी काम यहाँ पर कर रहा हूँ वो मेरे फ़ोन में लाइव आते जा रहा है, क्योंकि भी क्लाउड पर सेव हो रहा है डेटा, है ना। तो आप लोग भी अपने काम के लिए इंस्टॉल रखें। अब देखो जैसे जोमेटो स्लाइडर अगर आप देखोगे तो ये अपडेट हो रहा है। अब हम इसको फ़ोन पे टेस्ट कर सकते हैं। आईओएस वाले लोग डायरेक्ट अपनी टाइप सी केबल से कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना ये सिर्फ आईओएस वाले, एप्पल वालों के लिए, एंड्रॉयड वालों के लिए नहीं है। एंड्रॉयड वालों को फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो लिखा रहा है लोडिंग क्लाउड डॉक्यूमेंट, तो आप अपने फ़ोन में XD और Figma दोनों इंस्टॉल करके रखें इस चीज़ के लिए, ठीक है। जब आपका ओपन हो जाएगा तो लिखा है ट्रिपल टैप करना है आपने। स्टार्ट हो गया, फ़ोन को रोटेट कर लेंगे और हम इसी के ऊपर टेस्टिंग वगैरह करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी काम करेगी। इस माउस ओवरऑल इस पर नीचे चलेंगे, ये देखो काम करेगा। डिलीवरी, नाइट लाइफ, और हमने क्या बनाया था, ये प्रोडक्ट प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट होम। तो अपने फ़ोन पे आप पूरी टेस्टिंग कर सकते हो चीज़ों की। तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट क्लास में फिर भी कोई डाउट है आपका अपना, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास पे अपन स्टार्ट करेंगे फिग्मा, ठीक है। आज नहीं स्टार्ट करते, नेक्स्ट में करेंगे। तब तक आप कुछ ट्राई करके देखो, चीज़ें बना के देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करे तो वो हम लोग डिस्कस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जैसे वन गो में कलर चेंज करना हो गया ना, फॉन्ट चेंज करना हो गया, वो सारी चीज़ ना। हाँ ठीक है, तो अपने सारे ऑप्शन हो गए इसके। अब चलेगी आपकी फिग्मा। फिग्मा के अंदर से ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे आपको, और हैंडलिंग भी और थोड़ा सा बेहतर मिलेगी। कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें फिग्मा के अंदर अच्छी हैं। और जैसे एक देखते हो, उसमें दिखा दो, जैसे हम लोग पेटीएम चलाते हैं तो टॉपिक स्लाइडर आता है, उसको नोटिस करना कि जब ये चलेगा वेट करते हैं चेंज होता है कि नहीं। ये देखो चलना स्टार्ट हुआ, जब ये एंड होगा तो एकदम झटके से पीछे आएगा पूरा रिपीट होते हुए। एंड में आने वाला है, देख रहे हो। ये काम आप फिग्मा में कर सकते हो, XD में नहीं कर सकते।
इस तरह की चीज़ें कि एकदम से पूरा पीछे रिवर्स मार जाए। और कुछ याद आ रहा है तुम दोनों को डाउट इस तरह का? नहीं तो फिगमा सभी के पास है डला हुआ, तो बेसिक कर ले फिर स्टार्ट, टाइम थोड़ा सा बच रहा है अपना, है ना? अच्छा नेक्स्ट में करना है। चलो तब तक अपने डाउट्स वगैरह देखो क्या क्या हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। वैसे शायद मैंने एडमिन में भी शायद नेक्स्ट क्लास के टर्न बो दिया हुआ है, और मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये बैच अपना 17 जून को स्टार्ट हुआ था, तो 17 जुलाई को ख़त्म हो गया अपना एचडी। एक महीने का फिग्मा मानो, एक महीने का थ्योरी पढ़ोगे और फिर फ्री हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी में पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ, टूल पढ़ाने के बाद पढ़ाऊँगा, नहीं तो तुम बोर हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि 5 लॉ हैं मेन इसके अंदर जिनका हमने ध्यान रखना होता है। आराम से इतनी चल जाएगी मेन, तो वही, ये तो तुम यूआई पढ़ रहे हो, यूएक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हो। यूएक्स भी तो पढ़ोगे भी, उसके भी तो पैसे दिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्राई करो आप लोग चीज़ें, ठीक है? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, डिजाइनिंग का काम कर सकते हो।